नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन जीव अभयारण्य के बारे में, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश की समस्त परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हस्तिनापुर वन जीव अभयारण्य की। दोस्तों हस्तिनापुर वन जीव अभयारण्य की दोस्तों इसकी स्थापना सन 1986 में की गई थी और यह 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने हस्तिनापुर का क्षेत्रफल कितना है? 2073 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों यह मेरठ, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर जिलों में फैला हुआ है। यहाँ पर इनका विस्तार है, 4 या 5 जिलों में दोस्तों विस्तार है, लेकिन प्रमुख इसके 4 ही जिला माने जाते हैं। दोस्तों इसमें संरक्षण मिलने वाले पक्षी या पशु हैं मगरमच्छ और चीतल। यानी कि दोस्तों मगरमच्छ जो पशु यहाँ पर जीव हैं, ये इनका यहाँ पर संरक्षण किया जा रहा है। प्रमुख रूप से मगरमच्छ और चीतल का यहाँ पर संरक्षण किया जा रहा है हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य में। आप इसको याद जरूर रखिए। इसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला है यहाँ पर कतरनिया वन जीव अभयारण्य। कतरनिया वन जीव अभयारण्य दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी सन 1976 में और यह 410 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और दोस्तों यह कहाँ पर है? तो यह बहराइच में स्थापित किया गया था। यहाँ पर विस्तार कहाँ पर है इसका? कौन से जिला में? बहराइच जिले में इसका विस्तार है। और दोस्तों इसमें जिसका संरक्षण किया जा रहा है वह बिल्कुल दुर्लभ या फिर दुर्लभ मैदानी जीवों का यहाँ पर संरक्षण किया जा रहा है। कतरनिया वन्यजीव अभयारण्य में किस क्या किया जा रहा है? दुर्लभ मैदानी जीवों का संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यह मुख्य है, इसको जरूर याद रखिए, यह इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें दुर्लभ मैदानी जीवों का जो है उसका संरक्षण किया जा रहा है। और इसके अलावा दुर्लभ मैदानी जीवों का संरक्षण किसी भी वन जीव अभयारण्य में नहीं किया जाता, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर रानीपुर वन जीव अभयारण्य। दोस्तों रानीपुर वन जीव अभयारण्य की स्थापना सन 1977 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल है 230 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों यह चित्रकूट जिले में विस्तारित है, यानी कि चित्रकूट जिले में स्थापित किया गया था सन 1977 में। ठीक है, इसके बाद चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर महावीर स्वामी वन जीव अभयारण्य। महावीर स्वामी वन जीव अभयारण्य की स्थापना सन 1977 में की गई थी और दोस्तों यह 5.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 5.4 वर्ग किलोमीटर के एरिया में यह फैला हुआ है। और दोस्तों कहाँ पर है? तो यह ललितपुर जिले में आता है। कहाँ पर? ललितपुर जिले में आता है। और दोस्तों स्पेशली रूप से यहाँ पर मोर और बंदर का संरक्षण किया जा रहा है। किसका? मोर का और बंदरों का यहाँ पर संरक्षण किया जा रहा है महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य में। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है यहाँ पर चंबल वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों चंबल वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना सन 1979 में की गई थी और यह 635 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना क्षेत्रफल कितना है इसका? 635 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों यह आगरा और इटावा जिलों में स्थापित किया गया था, यानी कि यह 2 जिलों में आता है, आगरा और इटावा। और दोस्तों इसमें स्पेशली रूप से घड़ियाल और डॉल्फिन जो मछली होती है इसका संरक्षण इसमें किया जा रहा है। किसका? घड़ियाल और डॉल्फिन। दोस्तों यह नदी में बना हुआ है इसलिए यहाँ पर मछलियों का संरक्षण किया जा रहा है, क्योंकि यह भी जलीय जीव है और यह घड़ियाल भी जलीय जीव है, इसलिए इसे चंबल वन्यजीव अभयारण्य में इनका संरक्षण किया जा रहा है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों यह। इसकी स्थापना की गई थी 1982 में और दोस्तों यह 510 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और कौन कौन से जिलों में? दोस्तों यह मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में
स्थापित किया गया था। यहाँ पर इसका विस्तार दो जिलों में है, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में इसका विस्तार है। और दोस्तों इसमें स्पेशली रूप से चीता, तेंदुआ, चिकारा और काला हिरण का संरक्षण किया जा रहा है। प्रमुख रूप से दोस्तों यहाँ पर काला हिरण, चिकारा और तेंदुआ चीता जीवों का यहाँ पर संरक्षण किया जा रहा है, जो कि स्पेशली है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी सन 1957 में, और इसका क्षेत्रफल है मात्र 87 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों यह चंदौली जिले में स्थापित किया गया था। यहाँ पर इसका विस्तार चंदौली जिले में है। दोस्तों इससे संबंधित पशु या पक्षी हैं तो सांभर और तेंदुआ में इनका संरक्षण किया जा रहा है। सांभर और तेंदुआ का यहाँ पर संरक्षण किया जा रहा है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य में। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देख दोस्तों अगला है यहाँ पर कछुआ वन्यजीव अभयारण्य। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी सन 1989 में, और यह दोस्तों मात्र 7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 7 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों यह वाराणसी जिले में स्थापित किया गया था। यहाँ पर कौन से जिले में आता है कछुआ वन्यजीव अभयारण्य? तो यह वाराणसी जिले में आता है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला अभयारण्य है किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा? किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 1972 में, और यह इसका एरिया या क्षेत्रफल की बात करें तो 227 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और दोस्तों यह खमीमपुर खीरी जिले में स्थापित किया गया था। यहाँ पर किस जिले के अंतर्गत आता है? तो खमीरपुर खीरी जिले के अंतर्गत यह आता है। और दोस्तों इसमें चीता, तेंदुआ और हिरण का संरक्षण किया जा रहा है। चीता, तेंदुआ और हिरण का संरक्षण इसमें किया जा रहा है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य। सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 1987 में। कब की गई थी दोस्तों? 1987 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका क्षेत्रफल है 428 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 428 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और दोस्तों यह महाराजगंज में फैला हुआ है। यहाँ पर इसका विस्तार कहाँ पर है? महाराजगंज के अंतर्गत यह आता है। पूरे महाराजगंज में यह फैला हुआ है सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य है। इसका क्षेत्रफल है 428 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय।